hello students i'm a educator in our today's video we are going to discuss about class 10 chapter 2 polynomials main topics of this chapter are introduction of this chapter geometrical meaning of zeros of polynomial relationship between zeros and coefficients of polynomial and division algorithm for polynomials we have already discussed about introduction of this chapter and geometrical meaning of zeros of polynomial in our previous video. So, you can watch that video on my channel's playlist. So, today's topic is relationship between zeros and coefficients of a polynomial and exercise 2.2. So, let's start. स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरोबल होता है उसकी हाइस्ट पावर कितनी होती है वन होती है दिस टाइप ऑफ पोलिनोम इज नोन एज लीनियर पोलिनोमियल तो स्टूडेंट्स इस पोलिनोम की हमें जीरो फाइंड आउट करनी है मीन एक्स के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करें कि ये जो हमारे पास पोलिनोम है इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाए तो स्टूडेंट्स उसके लिए हम क्या करेंगे जो हमारे पास पोलिनोम जो भी एक्सप्रेशन है उसको इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल है तो यहां से एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे सो ए एस प्लस बी इक्वल टू जीरो देन ए एक्स इक्वल टू बी को राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन है माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू माइनस बी अब यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ए को भी राइट right साइड में लेके जाएंगे यहां मल्टीप्लाई में है तो राइट right साइड में जाके में हो जाएगा क्या बनेगी minus B upon A. कैसे स्टूडेंट्स अगर हम x के प्लेस पर माइनस बी अपॉन ए पुट कर देंगे तो ये हमारे पास पोलिनोम इक्वेशन है इसकी वैल्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगी कैसे होगी स्टूडेंट्स अब चेक करते हैं सो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास पोलिनोम क्या है ए एक्स प्लस बी इसको हम, ये इक्वल टू जीरो कब होगा जब हम एक्स के प्लेस पर माइनस बी अपॉन ए पुट करेंगे तो हम चेक करेंगे एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स माइनस बी अपॉन ए सो ए इन टू बी एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे माइनस बी अपॉन ए प्लस बी अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म हमारे पास मल्टीप्लाई में है सो so, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा दिस इक्वल टू माइनस बी प्लस बी माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे दैट इक्वल टू जीरो सो अगर इस पोलिनोमियल में हम एक्स के प्लेस पर माइनस बी अपॉन ए पुट कर देंगे तो वैल्यू किसके इक्वल होगी जीरो तो माइनस बी अपॉन ए क्या है जीरो है फॉर दिस गिवन पोलिनोम सो so, स्टूडेंट्स अगर पोलिनोमियल हमारे पास लीनियर है तो लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे वहां से वेरिएबल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही क्या होगा पोलिनोमियल के लिए जीरो का, का काम करेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोम में क्या होगा स्टूडेंट्स पोलिनोम ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क् प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमल होता है उसमें वेरिएबल की हाइस्ट पावर कितनी होती है टू सो सेकंड डिग्री का जो पोलिनोमल होता है वही हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है इसके अगर हमें जीरोज को फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दिस पोलिनोमल को इक्वल टू जीरो पुट करना है एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो तो मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम डायरेक्टली जैसे हम लीनियर हमने यहां पे लीनियर में एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया था ऐसे डायरेक्टली हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं इसके लिए हमें एक प्रोसीजर, प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा तो स्टूडेंट्स हम

सो अल्फा बीटा और एक और लेटर होता है दैट इज गामा सो इनको ऐसे ही प्रोनाउंस करते हैं दिस इज अल्फा दिस इज बीटा तो अल्फ़ा अगर जीरो है तो ए एक्स के प्लेस पर अल्फा पुट करेंगे तो ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू जीरो एक्स के प्लेस पर बीटा पुट करेंगे तो ए बीटा स्क्वेयर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू जीरो मीन्स अल्फा बीटा क्या है जीरोज हैं तो अल्फ़ा और बीटा जीरो हैं दैट मीन्स एक्स के प्लेस पर अगर हम एल्फा पुट करेंगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी इसी टाइप से एक्स के प्लेस पर बीटा पुट करेंगे तो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ से अल्फा को राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो एंड दिस इम्प्लाइज एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो यानी एक्स माइनस और एक्स माइनस बीटा क्या होंगे फैक्टर्स होंगे इस पोलिनोमियल के मेज एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या करेंगे इस पोलिनोम को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर रिमाइंडर क्या आएगा जीरो तो स्टूडेंट्स यानी ए एक्सक्र प्लस बी एक्स प्लस सी को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं के टाइम्स ये कोई कॉन्स्टेंट है के टाइम्स केक हमने क्यों लगाया स्टूडेंट्स एक क्योंकि एक्स केयर का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे ए है अगर एक्स केयर का कोफिशियंट वन होता तो हमें केक लगाने की नीड नहीं थी यहाँ पे केक के प्लेस पर वन पुट कर देते हैं सो so, हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे टाइम्स एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इस फॉर्म में हम इस एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हैं तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स वैसे भी अगर यहां से आप ए को कॉमन लेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स अंदर क्या रिमेनिंग रहेगा एक्स स्क् प्लस बी बाई ए टाइम्स एक्स प्लस सी बाय इस टाइप का हमें एक्सप्रेशन मिलेगा तो स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन में क्या होगा जो बी बाय ए है दिस इज समीरोज एंड सी बाई ए इज प्रोडक्ट ऑफ जीरो स्टूडेंट्स कैसे तो के को हमने कोमल ले लिया एक्स माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा दैट इक्वल टू के टाइम्स यहां पर एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स एक्स मल्टीप्लाई विद एक्स इक्वल टू एक्स स्क् एक्स इंटू एल्फा इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एल्फा माइनस एल्फा एक्स तो एक्स को हमने कॉमन लिया है और बीटा की और एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे देन माइनस बीटा एक्स तो यहां से माइनस और के ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था के को हमने मल्टीप्लाई में ले लिया है स्टूडेंट्स ऑलरेडी यहां में नहीं लिखना है एक्स स्क्र माइनस अल्फा प्लस बीटा इन टू एक्स प्लस और अल्फा और बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस सो अल्फा बीटा तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है के के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे के टाइम एक्स स्क्र माइनस के टाइम्स अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस के टाइम्स अल्फा बीटा अंदर हमने मल्टीप्लाई किया अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स कंपेयर करेंगे कॉफिशियंट्स ऑफ एक्स स्क्र एक्स एंड कॉन्सटेंट टर्म तो स्टूडेंट्स एक्स स्क्र के कोफिशियंट को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए इक्वल टू के हो जाएगा बी इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा और माइनस का साइन साथ में है और इक्वल टू एल्फा बीटा ओके स्टूडेंट्स तो ए इक्वल टू के बी इक्वल टू माइनस के टाइम्स एल्फा प्लस बीटा सी इक्वल टू के टाइम्स एल्फा बीटा तो यहाँ से ए के प्लेस पर अगर के पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स बी इक्वल टू माइनस के के प्लेस पर ए पुट करेंगे तो बी इक्वल टू माइनस ए टाइम्स एल्फा प्लस बीटा और सी इक्वल टू के के प्लेस पर ए पुट करेंगे तो यहाँ पर यहां से इसी एक्सप्रेशन को हम सोल्व कर रहे हैं बी इक्वल टू माइनस ए टाइम अल्फा प्लस बीटा ए को या फिर हम इसको राइट right साइड में शिफ्ट लेफ्ट में इसको राइट right में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ए इक्वल टू माइनस बी यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए को राइट right साइड में लेके जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए क्या है स्टूडेंट्स माइनस ऑफ इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करेंगे माइनस बी क्या है एक्स क्या कोफिशियंट है और उसके साथ माइनस का साइन है सो एल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज एल्फा बीटा क्या थी स्टूडेंट्स जीरोज फॉर दिस पोरिनोमल सो जीरोज को अगर हम ऐड करेंगे दैट इक्वल टू माइनस बी अपोन दैट मीन्स माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स जो एक्स की टर्म है उसका कोफिशेंट के साथ माइनस का साइन लगाएंगे और डिवाइडेड बाय ए ए क्या है यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्श ऑफ एक्स ये आपको याद रखना है तो सम ऑफ इक्वल टू तो माइनस बी अपोन अगर हमारा पोलिनोम इस फॉर्म का है एक्स स्क्स बी एक्स प्लस सी तो और अल्फा बीटा इस पोलिनोम के लिए जीरोज हैं तो क्या होगा स्टूडेंट समीरोज यानी एल्फा प्लस बीटा दोनों जो जीरोज हैं उनको ऐड करेंगे दैट इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशंट ऑफ एक्स कैर इसी टाइप से यहां से हम सी की वैल्यू को देखते हैं तो के टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी यहाँ से और K को right side, K के को राइट साइड के के प्लेस पर हम ए पुट करेंगे क्योंकि के इक्वल टू ए है सो ए टाइम्स अल्फा बीटा इक्वल टू सी ए को राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे तो अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए सी क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में सी इज टर्म और ए क्या है कोफिशेंट ऑफ एक्स केयर सो अल्फाबीटा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कोफिशेंट टर्म कोफिशेंट नहीं यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स केयर जो टर्म है उसको डिवाइड करेंगे एक्सकेयर के कोफिशेंट से दैट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड फोर्थ सम ऑफ जीरोज कॉफिशेंट ऑफ एक्स उसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे डिवाइडेड बाय ऑफ सो फ्रेंड्स आपने यहाँ से क्या सीखा कि सम ऑफ जीरोज कोई सेकंड डिग्री का क्वाड्रेटिक पोलिनोम है अल्फा बीटा उसके लिए जीरो का, का काम कर रहे हैं तो सम ऑफ जीरोज अगर दोनों को ऐड करेंगे दैट इक्वल टू माइनस बी ए माइनस बी मीन्स माइनस का साइन लगाएंगे बी क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जीरोज की अगर मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू सी ए सी क्या है यहाँ पे टर्म डिवाइडेड बाय ए ए क्या है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्र सो so, स्टूडेंट्स हमने अभी तक क्या सीखा कि अगर लीनियर पोलिनोमल है तो पोलिनोम को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे वहां से हम वेरिएबल की फाइंड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वही वैल्यू क्या होगी पोलिनोम के लिए जीरो का, का काम करेगी बट अगर पोलिनोम क्वाडिटिक है तो हम क्या करेंगे क्वाडेटिक पोलिनोमल को फैक्ट्राइज करेंगे उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स स्टूडेंट स्प्लिटिंग मिडल टर्म और फैक्टर्स के बारे में हम ऑलरेडी क्लास नाइन में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल प्ले लिस्ट फॉर क्लास नाइन सो स्टूडेंट्स मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम वहाँ से फैक्टर फाइंड आउट करेंगे फैक्टर मिलेंगे इस टाइप से हमें दो फैक्टर मिलेंगे x माइनस एल्फा और x माइनस बीटा अल्फा क्या होगा फर्स्ट जीरो बीटा क्या होगा सेकेंड जीरो तो इन दोनों जीरोज को अगर हम ऐड करेंगे

अगर पोलिनोमल हमारे पास क्यूबिक है यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी वहाँ पे वेरिएबल की थ्री डिग्री पोलीमिल सो एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क् प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स जो एक्स क्यूब का जो कोफिशेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज दिस इज क्यूबिक पोलिनोमल सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ये क्यूबिक पोलिनोमल है तो एट मोस्ट कितनी जीरोज हो सकती हैं थ्री जीरोज हो सकती हैं तो मान लीजिए जीरोज़ कौन सी हैं अल्फा बीटा गामा तो ये तीनों जीरोज़ हैं आर थ्री जीरोज ऑफ बी एक्स देन सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे सारे जीरोज को ऐड करेंगे वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स माइनस ऑफ कोफिशंट ऑफ एक्स स्क्र डिवाइडेड बाय कोफिशंट ऑफ एक्स क्यूब सो माइनस बी अपॉन ए अगर टू टू टाइम टू टू टर्म को साइमल्टेनियसली मल्टीप्लाई करेंगे यानी एल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा गामा एल्फा दैट इक्वल टू कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब सो सी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा बीटा गामा तीनों जीरोज के मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके हो, होगा माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यूब सो इस टाइप से हम क्यूबिक पोलिनोम के भी जीरोज के और कॉफिशेंट्स के रिलेशन को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं नाउ लेट्स डिस्कस एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज Find zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros and the coefficient. तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स ये हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की इवन है यानी सेकंड डिग्री के पोलिनोमियल्स की वन है इसमें सिक्स पार्ट है हमें क्या है, all, करना है स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इन पोलिनोमियल्स के लिए जीरोज को फाइंड आउट करना है यानी कौन सी वैल्यूज आएंगी जिन पर ये हमें जीरो वैल्यू पुट करें जीरो वैल्यू देंगे ज, जैसे यहाँ पे एक्स के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट करें कि इस पोलिनोम की वैल्यू जीरो हो जाए तो सेकेंड में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसके लिए ये पोलिनोम हमें जीरो देगा यहाँ पे एक्स टी यहाँ पे एक्स फिर से तो हमें जीरोज को फाइंड आउट करना है आफ्टर दैट हमें वेरीफाई करना है क्या वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशेंट जीरोज और कॉफिशेंट के रिलेशन को हमें फाइंड आउट करना है तो हमने अभी डिस्कस किया था स्टूडेंट समीरोज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स केयर और प्रोडक्ट ऑफ बाय बाफिशेंट ऑफ एक्स केयर तो इस टाइप से हमें रिलेशन को भी फाइंड आउट करना है ये काफी इजी एक्सरसाइज है फ्रेंड्स बट आपको इसे ए, एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड कर जाएंगे देन यू कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन वेरी इजिली एंड क्विकली नाउ एक्सरसाइज टू पॉइंट टू फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स एक्स स्क्र माइनस टू एक्स माइनस एट इस पोलिनोम के लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट्स जीरोज को फाइंड आउट करना है और आफ्टर दैट हमें जीरोज और कोफिशियंट्स के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना है वेरीफाई करना है तो देखिए स्टूडेंट्स पोलिनोमल क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस एट तो ये सेकंड डिग्री का पोलिनोम है दैट इज क्वाडेटिक पोलिनोमल इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फैक्टर्स करने पड़ेंगे फैक्टर्स कैसे करेंगे स्टूडेंट्स ऐसे नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिसकी जिसको हम ऐड या सब्टैक्ट करें तो हमें माइनस टू मिले और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए स्टूडेंट्स माइनस एट होना चाहिए तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स दोनों प्लेस पे माइनस का साइन है तो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स एक फैक्टर प्लस का आएगा और एक फैक्टर माइनस का आएगा जो माइनस का, का फैक्टर आएगा वो बड़ा आएगा क्यों आएगा स्टूडेंट्स आप देखिए एक्स स्क्र माइनस टू एक्स जो हमारे मिडल टर्म है मिडल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उनके मल्टीप्लाई करें तो एड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस टू आए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस एट आए तो स्टूडेंट्स माइनस टू को हम कैसे लिख सकते हैं माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स क्योंकि माइनस फोर प्लस टू कितना होता है स्टूडेंट्स माइनस टू एक्स और माइनस फोर एक्स मल्टीप्लाई विथ टू एक्स दैट इक्वल टू फोर टू 8 एट और माइनस का साइन रहेगा तो माइनस एट इंटू कोफिशेंट ऑफ दिस यानी एक्स स्क्र एक्स की मल्टीप्लाई एक्स करेंगे इक्वल सो so, कैसे हमने स्प्लिट किया माइनस टू को एक्स स्क् माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट तो यहां से क्या होगा स्टूडेंट्स एक्स स्क् और माइनस फोर एक्स में से एक्स को कॉमन लेंगे एक्स कॉमन लेंगे तो यहां रिमेनिंग एक पावर को हमने कॉमन ले लिया रिमेनिंग वन रहेगा तो एक्स माइनस फोर x को हमने ऑलरेडी कोमल ले लिया है और इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं टू यहां पे भी है और टू एट का मल्टीपल भी है सो एट टू का एट का भी फैक्टर है सो so, टू को हम कॉमन लेंगे यहाँ रिमेनिंग रहेगा x और माइनस टू एट कैन बी रिटन एज टू फोर जा एट तो टू को हमने कॉमन ले लिया रिमेनिंग क्या रहा है यहाँ पे फोर और माइनस का साइन है हमें कैसे लेना है स्टूडेंट्स कि ये दोनों फैक्टर्स हमारे सेम बने अब हम क्या करेंगे इन दोनों फैक्टर्स को कॉमन लेंगे एक्स माइनस फोर को कॉमन लेंगे यहां रिमेनिंग क्या रहेगा एक्स और यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा प्लस टू तो एक्स प्लस टू तो एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू ये क्या हो गए हमारे पास फैक्टर्स हो गए किसके फैक्टर्स हो गए एक्स स्क् माइनस टू एक्स माइनस एट के अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स तो जीरोज के लिए हम क्या करेंगे ये स्टूडेंट्स इक्वल टू जीरो फर्स्ट फैक्टर को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे और सेकंड फैक्टर को भी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहां से एक्स माइनस फोर को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे दिस इंप्लाई एक्स को राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस टू और जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो प्लस टू है यहाँ पे राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस का साइन आएगा तो एक्स इक्वल टू माइनस टू तो एक्स इक्वल टू फोर एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू ये दो नंबर्स क्या हो गए हमारे हो गए इस गिवन पोलिनोम के लिए मीन्स इस पोलिनोम में एक्स के प्लेस पर अगर हम फोर करेंगे पुट करेंगे तो भी इस पोलिनोमल की वैल्यू जीरो होगी और एक्स के प्लेस पर माइनस टू पुट करेंगे तो भी इस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी अब हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स हमें स्टूडेंट्स एग्जाम में वेरीफाई नहीं करना है ये दोनों ही जीरो होंगे अगर किसी को डाउट है ये जस्ट मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ ये पार्ट आपको एग्जाम में नहीं करना है तो एक्स के प्लेस पर फोर पुट करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स फोर स्क्वायर माइनस टू टाइम्स एक्स के प्लेस पर फोर माइनस एट फोर इक्वल टू सिक्सटीन माइनस टू फोर जट माइनस एट एट माइनस एट इक्वल टू माइनस सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन जीरो सो दैट इक्वल टू जीरो सो पोलिनोमियल में हमने एक्स के प्लेस पर फोर पुट किया तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई दैट मीन्स जो हमने फैक्टर निकाला एक्स इक्वल टू फोर ये क्या है इस पोलिनोमियल के लिए जीरो का, का काम करेगा इसी टाइप से आप चेक करेंगे एक्स के प्लेस पर माइनस टू पुट करेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी जीरो सो एक्स इक्वल टू फोर एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू आर जीरो फॉर दिस पोलिनोमियल अब हमें वेरीफाई करना है स्टूडेंट्स रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है जीरोज एंड कोफिशियंट्स में तो एक्स केयर का कोफिशियंट क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है दैट मीन्स वन मल्टीप्लाई में है तो एक्स केयर का कोफिशियंट क्या है वन x का कोफिशियंट क्या है माइनस टू और कॉन्स्टेंट क्या है यहाँ पे माइनस एट माइन साइन को साथ में लेना है स्टूडेंट्स तो सम ऑफ जीरोस सम ऑफ जीरोस जीरोस क्या है हमारे पास फोर और माइनस टू तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो फोर प्लस माइनस टू प्लस माइनस माइनस होता है तो फोर माइनस टू दैट इक्वल टू 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 कैन बी रिटन एज टू अपॉन वन सो टू क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स एक्स का कॉफिशेंट क्या है स्टूडेंट्स माइनस टू तो माइनस टू के आगे एक और माइनस लगा देंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दैट इक्वल टू टू डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क् क्या है यहाँ पे वन है सो सम ऑफ किसके इक्वल है हमारा माइनस ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्र यही रिलेशन हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था तो ये रिलेशन इन दोनों में आया है रिलेशन वेरीफाई हो गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट में क्या करेंगे इन दो, दोनों जीरोज की मल्टीप्लाई करेंगे फोर टू जट और माइनस का साइन है तो माइनस एट माइनस एट कैन बी रिटन एज माइनस एट अपॉन वन तो माइनस एट क्या है स्टूडेंट्स कॉन्स्टेंट टर्म और वन क्या है यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ एक्सक्र सो दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशंट ऑफ एक्सक्र सो यही दोनों में रिलेशन था कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशंट ऑफ एक्सक्र एंड प्रोडक्ट ऑफ इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाई कोफिश ऑफ एक्सक्र यही रिलेशन हमारा सेम यहां पर निकल के आया है So, ये रिलेशन हमने वेरीफाई कर लिया है तो एग्जाम में इस टाइप से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है सो so, इसी टाइप से फ्रेंड्स हमें रिमेनिंग पार्ट्स को भी सोल्व करना है जैसे सेकंड पार्ट में फोर एक्स स्क्र माइनस फोर एक्स प्लस वन के हमें फैक्टर्स करने हैं मीन्स मिडल टर्म जो है माइनस फोर एक्स को हमें दो पार्ट्स में ऐसे स्प्लिट करना है कि अगर हम एड और सब्ट करें तो माइनस फोर आए और मल्टीप्लाई करें तो क्या है स्टूडेंट्स कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्सटेंट टर्म यानी फोर वन झा फोर तो मल्टीप्लाई करने के बाद फोर आना चाहिए फोर वन झा फोर और एड या सब करने के बाद माइनस फोर ऐसा आना चाहिए तो इसके लिए इस इक्वेशन पॉलिनामिल के लिए हमारे क्या फैक्टर्स बनेंगे स्टूडेंट्स फोर एस स्क्र फर्स्ट टर्म को हम सेम लिखेंगे माइनस फोर एक्स के प्लेस पर आप क्या पुट कर सकते हैं माइनस टू एस माइनस टू एस प्लस वन हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स क्योंकि स्टूडेंट्स तो देखिए स्टूडेंट्स पोलिनोमियल क्या है हमारे पास फोर एस स्क्र माइनस फोर एस प्लस वन तो हम कैसे फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स दैट इक्वल टू फोर एस स्क्वेयर हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं स्टूडेंट्स फोर एस जो मिडल टर्म है जिससे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस फोर आए और मल्टीप्लाई करने के बाद फोर वन सा फोर आए सो एस स्क्र का जो कोफिशेंट है और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उन दोनों की मल्टीप्लाई लेना है तो फोर एस स्क्र माइनस फोर एस को कैसे हम राइट कर सकते हैं माइनस टू एस माइनस टू एस और प्लस वन हमारे पास सेम रहेगा सो दिस इक्वल टू फोर एस स्केयर और टू एस स्केयर यहाँ से हम टर्म कॉमन लेंगे और इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे तो यहां से फोर और एस फोर एस स्केयर माइनस टू एस तो यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं स्टूडेंट्स एक तो हम टू ले सकते हैं और एक एस ले सकते हैं तो यहां पे रिमेनिंग क्या रहेगा टू कॉमन ले लिया रिमेनिंग रहेगा यहाँ पे टू एक एस हमने कॉमन ले लिया सो रिमेनिंग आएगा एस माइनस टू को हमने कॉमन ले लिया और एस को भी कॉमन ले लिया तो यहाँ रिमेनिंग बचेगा वन इसी टाइप से इन दोनों टर्म्स में यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस कॉमन लेंगे और इन दोनों में कोई भी टर्म कॉमन नहीं है सो so ओनली so वन को कॉमन लेंगे माइनस वन सो यहाँ रिमेनिंग क्या रहेगा माइनस वन को कॉमन ले लिया तो यहाँ रिमेनिंग रहेगा टू एस और यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा चेंज हो जाएगा माइनस वन टू एस माइनस वन टू एस माइनस वन कॉमन है सो टू एस माइनस वन को कॉमन लेंगे टू एस माइनस वन इन टू यहां रिमेनिंग क्या रहेगा टू एस माइनस वन टू एस माइनस वन सो टू एस माइनस वन टू एस माइनस वन यानी टू एस माइनस वन का होल स्क्वायर सो इस टर्म को जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे पुट टू एस माइनस वन इक्वल टू जीरो द्लाइज टू एस इक्वल टू वन को राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे वन दिस सिंपलाइज एस इक्वल टू वन बाई टू टू को हम राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे तो एस के प्लेस पर वन बाय टू वो टू टाइम है तो एस इक्वल टू वन बाय टू एंड वन बाय टू इन ये दो नंबर्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं ये दोनों नंबर्स क्या होंगे इस पोलिनोमिल के लिए जीरो का, का काम करेंगे ओके स्टूडेंट्स सो हमें क्या पता है ये दोनों जीरोज हैं तो सम ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ जीरो इन दोनों जीरोज को ऐड करेंगे सो वन बाय टू प्लस वन बाय टू दैट इक्वल टू वन एंड वन कैन बी रिटन एज एजन बाई वन और स्टूडेंट्स हम हमने क्या डिस्कस किया था अगर कोई भी है उसका सम ऑफ जीरोस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सम ऑफ उसके लिए हम क्या करते हैं माइनस ऑफ कोफिशेंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशंट ऑफ एक्स सो माइनस ऑफ कोफिशेंट ऑफ सॉरी यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है यहाँ पे एस वेरिएबल है कोफिशेंट ऑफ एक्स एस डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एस स्क्र जो भी वेरिएबल है उसके ही हम कॉफिशेंट्स लेते हैं तो कोफिशंट ऑफ एस कितना है स्टूडेंट्स माइनस का फोर माइनस फोर और कोफिशेंट ऑफ एस स्क्र एस स्क्र के साथ कौन सा कोफिशियंट है फोर सो दिस इक्वल टू माइनस माइनस प्लस वो फोर अपॉन फोर दैट इक्वल टू वन सो यहां से भी हमने क्या किया माइनस ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एस अपॉन कॉफिशेंट ऑफ एस स्क् वो इक्वल आया और यहां से हमने सम ऑफ जीरो फाइंड आउट किया था वो भी वन के इक्वल आया मीन्स दोनों की वैल्यू क्या है इक्वल सो सम ऑफ जीरोक्वल टू माइनस ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एस डिवाइडेड बाई कॉफिशेंट ऑफ एस स्क्र ये वेरीफाई हो गया अब हमें क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ that इक्वल टू zeros हमने क्या फाइंड आउट की वन बाय टू इन टू वन बाय टू दैट इक्वल टू वन बाय फोर वन वन झा वन टू टू जा फोर और हमें हमने क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैन बी रिटन एज टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ

है, इस पोलिनोम के लिए को भी हमने फाइंड आउट कर लिया है so, इस टाइप टाइप से से इसी से को भी पोलिनोम क्या है यहां पर टी स्केयर माइनस फिफ्टीन तो इस पोलिनोम हम क्या करेंगे 15. 15 15 का हम डायरेक्टली इसके फैक्टर्स नहीं कर सकते स्टूडेंट्स सो फिफ्टीन कैन बी रिटन अंडर रूट ऑफ फिफ्टीन होल स्केर क्योंकि स्केयर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है रिमेनिंग क्या रहता है माइनस फिफ्टीन ही रहेगा सो ए स्क्र माइनस बी स्क्यर तो यहाँ पे फार्मूला क्या है ए स्क्यर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी ए के प्लेस पर क्या है टी बी के प्लेस क्या पर क्या है रूट फिफ्टीन सो टी माइनस रूट फिफ्टीन टी प्लस रूट फिफ्टीन जीरोज के लिए हम क्या करेंगे टी माइनस फिफ्टीन को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे यहाँ से टी इक्वल टू राइट साइड में माइनस का साइन है तो प्लस का साइन आएगा सो टी इक्वल टू रूट फिफ्टीन और सेकेंड जो फैक्टर है उसको भी हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो टी प्लस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो फिफ्टीन को राइट right साइड में शिफ्ट करेंगे प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा सो टी इक्वल टू माइनस फिफ्टीन सो टी इक्वल टू रूट फिफ्टीन एंड रूट माइनस फिफ्टीन बोथ आर जीरोज फॉर दिस पोलिनोमियल नेक्स्ट हमें क्या करना है स्टूडेंट्स जीरोज और कोफिशेंट्स के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है तो जीरोज क्या हो गए हमारे पास रूट फिफ्टीन एंड माइनस रूट फिफ्टीन सम ऑफ दोनों को हम ऐड करेंगे रूट फिफ्टीन प्लस ऑफ माइनस रूट फिफ्टीन दैट इक्वल टू रूट फिफ्टीन माइनस प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स माइनस सो रूट फिफ्टीन माइनस रूट फिफ्टीन इक्वल टू जीरो जीरो कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ जीरो अपॉन वन तो माइनस जीरो जीरो क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉफिशंट ऑफ यहाँ पे टी की कोई टर्म नहीं है दैट मीन्स हम कैसे लिख सकते हैं इस पोलिनोमल को टी स्क्र प्लस जीरो टाइम्स टी माइनस फिफ्टी तो टी का जो कॉफिशेंट होता है वही टर्म हम लेते हैं तो टी का कॉफिशेंट जीरो होता, जीरो है यहाँ पे और माइनस का साइन यूज करते हैं तो माइनस जीरो अपॉन कॉफिशेंट ऑफ टी स्क्र क्या है यहाँ पे वन सो दैट इक्वल टू माइनस ऑफ कॉफिशेंट ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सो सम ऑफ किसके इक्वल हो गया माइनस ऑफ कोफिश ऑफ टी डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ टी दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के लिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो so, माइनस का साइन है रूट फिफ्टीन इन रूट फिफ्टीन इक्वल टू फिफ्टीन कैन बी इट नाइनस फिफ्टीन क्योंकि यहाँ पे माइनस फिफ्टीन है सो माइनस फिफ्टीन अपॉन वन हम राइट कर सकते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस फिफ्टीन क्या है ये जो हमारे पास पोलिनोमियल था यहां पे माइनस फिफ्टीन क्या है टर्म और वन क्या है कॉफिशेंट ऑफ टी स्क्र सो दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क् सो इनके बीच में हमने रिलेशनशिप को भी फाइंड आउट कर लिया इसी टाइप से आप रिमेनिंग पार्ट्स को भी सोल्व करेंगे नाउ लेट सी सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द क्वाड्रेटिक क्वाडेटिक ईच विद द गिवन नंबर एज सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल को फाइंड आउट करना है जिसमें हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स सम ऑफ जीरोज गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है तो हम किस टाइप से क्वाड्रेटिक पोलिनोमेल को फाइंड आउट करते हैं कर सकते हैं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था स्टूडेंट्स पोलिनोमल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे वन बाय फोर क्या है सम ऑफ जीरोज़ और माइनस वन क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो इसके लिए क्या फार्मूला है स्टूडेंट्स एक्स स्क्र माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज़ इन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ तो इस ये जो हम एक्सप्रेशन लेंगे इसमें सम ऑफ जीरोज़ के प्लेस पे वन बाई फोर पुट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ के प्लेस पे माइनस वन पुट करेंगे वही हमारे पास पॉलीनोमियल होगा सो देखिए स्टूडेंट्स लेट जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल मान लीजिए जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल क्या है हमारे पास अल्फा और बीटा है देन सम ऑफ जीरोजी अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है मैं वन बाई फोर अल्फा बीटा मीन प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है माइनस वन देआर फॉर रिक्वॉर्ड पोलिनोम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्सक्वेयर माइनस ऑफ सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो सम ऑफ जीरोज़ अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर हम वन बाय फोर पुट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोजी अल्फा बीटा के प्लेस पर माइनस वनों का पुट करेंगे सो एक्स स्क्र माइनस वन बाय फोर टाइम्स एक्स और माइनस वन ये पोलिनोमेल आ गया बट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स एल्सियम ले सकते हैं फोर एल्सियम फोर लेने के बाद यहाँ पे फोर जाएगा तो फोर टाइम एक्स स्क्र माइनस एक्स और माइनस फोर ये भी हमारे पास पोलिनोमेल होगा यही वो पोलिनोमेल होगा जिसके लिए सम ऑफ जीरो सम ऑफ जीरोज आप फाइंड आउट कर सकते हैं कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे कोफिशेंट ऑफ एक्स दैट इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस वन कर देंगे डिवाइडेड बाई कोफिशियंट ऑफ एक्स स्केयर यानी फोर यानी वन बाय फोर आएगा और प्रोडक्ट ऑफ कितना आएगा जीरो टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्सक्र दैट इक्वल टू माइनस फोर अपॉन फोर दैट इक्वल टू माइनस वन तो यही वो पोलिनोम होगा जिसके लिए ये जो गिवन स्टेटमेंट है गिवन जो हमें इंफॉर्मेशन है वो सेटिस्फाई करेगी यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे जो है एलसीएम लेना है ले भी सकते हैं नहीं भी दोनों ही पोलिनोमियल इस गिवन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है इसको सेटिस्फाई करेंगे यानी ये जो पोलिनोमल है इसके लिए भी सम ऑफ जीरोज कितना आएगा वन बाई फोर और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आएगा माइनस वन या फिर एलसीएम लेके आप इस टाइप से भी पोलिनोमल को राइट कर सकते हैं इसी टाइप से थर्ड पार्ट में हमें क्या क्यों होना है सम ऑफ जीरोज इक्वल टू जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू रूट फाइव तो रिक्वायर्ड पोलिनोमेल के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है एक्स स्क्र माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन जो है आपको याद करना पड़ेगा इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट करेंगे सम ऑफ जीरोज के प्लेस पर जीरो पुट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के प्लेस पर रूट फाइव पुट करेंगे तो एक्स स्क्र माइनस हो सम ऑफ जीरो जीरो टाइम एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू रूट फाइव सो दिस इक्वल टू एक्स स्क्र जीरो से एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे दैट इक्वल टू जीरो और प्लस रूट फाइव सो एक्स स्क्र प्लस रूट फाइव दिस इज आर रिक्वायर्ड पोलिनोमियल फोर विच समीरो इज इक्वल टू जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू रूट फाइव सो so, स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.2 पॉइंट होती है अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे जिसमें हम डिवीज़न एल्गोरिदम फॉर फोर के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं